हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं जलगांव स्पेशल बैगन का भरता, मीन्स जलगांव स्पेशल वांग्याचा भरीत। इसे हम मराठी में वांग्याचा भरीत बोलते हैं। तो उसके लिए हमें जो बैगन लगेंगे फ्रेंड्स, तो इस टाइप के हमारे जलगांव के स्पेशल ये बैगन है। ये इस टाइप से होते हैं और इसमें फ्रेंड्स बाकी पार्ट हरा होता है और सामने का पार्ट ये व्हाइट रहता है। तो इसे हमें जड़गांव का बैगन कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने चार बैगन लिए हैं, मीन्स ब्रिंजॉल लिए हैं। उसके बाद में हमें कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया लगने वाला है, स्प्रिंग ओनियन लगने वाला है कि हमारी हरी प्याज जो होती है वो है ये। उसके बाद में हमें ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च लगेंगी। हरी मिर्च आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने कम से कम 8-9 हरी मिर्च ली है। उसके बाद में हमें लहसुन की कलियाँ लगेंगी, जो हमने एक गाँठ के करीब हमने लहसुन की कलियाँ ली, मीन्स गार्लिक ली है। उसके बाद में हमें सॉल्ट यानी कि नमक लगने वाला है, पीनट लगने वाला है यानी मूंगफली दाना, ये रोस्टेड पीनट क्रश है यानी भुनी मूंगफली का क्रश है। ऑयल लगेगा हमें और ये क्यूमिन सीड एंड मस्टर्ड सीड मीन्स राई और जीरा लगने वाला है। इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है ये बैगन का भरता। तो फ्रेंड्स इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखिए। सो फ्रेंड मेरी ईजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारे ये बैगन लेते हैं हम। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने बैगन लेना है और हमें बैगन के ऊपर में ऑयल लगाना है। तो हाथों में ऑयल ले लेते हैं और हमारे बैगन पे इसे इस तरह से बैगन पे ऑयल लगाना है। और उसके बाद में हमें इसे कट करना है। इसमें हम हल्का सा ऐसा चीरा लगा देंगे इस तरह से और इसमें हमें ये लहसुन की कलियां भर देंगे। बेहद स्वादिष्ट ये भरता बनता है फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने नागपुरी ढाबा स्टाइल बैगन का भरता भी बताया है आपको। इस तरह से साइड से भी इसे कट करते जाएंगे और इसमें हम लहसुन की कलियां भरते जाएंगे। इस तरह से हमने सारे बैगन में भर के रख लिया है। ये देखिए सारे बैगन में हमने लहसुन की कलियां इस तरह से भर के रखी। अब इसे हमें भूनना है। गैस को ऑन कर दिया है हमने और अब हम इस पे बैगन भूनेंगे। इसे हमें पलटा पलटा के अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स। इसे पलटा देते हैं इस तरह से। काफी सॉफ्ट ये बैगन होते हैं और काफी अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाते हैं भूनने के बाद। इसे हमें पलटा पलटा के इस तरह से भूनना है। जब तक हमारे बैगन भून रहे हैं फ्रेंड्स, उस पीरियड में हम क्या करेंगे, हमारे कढ़ाई में हमने 1/2 टीस्पून के ऑयल लिया है। अब इसमें कम कर देंगे और इसे हमें भूनना है। थोड़े से चटके आए लगते तक इसको हमें भून लेना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर हमारे खानदेसी बैगन के भरते में आ जाएगा। खानदेसी भी कहा जाता है और इसे जड़गांव का भी बैगन का भरता कहा जाता है। मराठी में इसे वांग्याचा भरीत कहते हैं। ये वहां की स्पेशलिटी है फ्रेंड्स, काफी प्रसिद्ध ये बैगन का भरता है वहां का, जड़गांव का। ये देखिए काफी अच्छे से हमारी मिर्च भी तैयार होगी। अब इसे हम गैस का पावर बंद कर देते हैं। जब तक हमारा बैगन भून रहा है तब तक हमारा ठेचा तैयार करते हैं। ठेचा को आप मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हो। मैंने ये लकड़ी का खलबत्ता लिया है, इसमें हमें इसे हरी मिर्च डालना है। इसमें हमने हरी मिर्च डाल दी है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं और थोड़ी सी हरी प्याज, हमारा ये स्प्रिंग ओनियन वो भी डाल देंगे और इसे हमें ठेच लेना है। इसे ऐसे इस तरह से कुटेंगे हम तो हमारा ठेचा तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा ठेचा भी तैयार हो गया। ये देखिए काफी अच्छे से हमारा ठेचा तैयार हो गया है। ये अब हमारे बैगन को हम छीलेंगे। अब हमारे बैगन को छीलते हैं। इसमें ऑयल लगे होने के कारण बहुत आसानी से इसके छिलके उतर जाते हैं फ्रेंड्स। तो अभी इसको हम सिर्फ ऊपर ऊपर ऐसे निकालेंगे, बस ये आराम से इसके छिलके उतर जाते हैं।
लहसुन को हम हाथों से मैश कर लेंगे इस तरह से, इस तरह। ये पूरा छिलका उतर चुका है, इसका बहुत आसानी से निकल जाता है फ्रेंड्स। और अब इसमें हम इसे निकाल देते हैं, यहां से तोड़ लेंगे, ये निकल जाता है ऐसा। और इसे हमें चेक करना है, कहीं अंदर में कीड़े भी होते हैं, इसलिए इसे चेक कर लीजिए। काफी अच्छे हैं ये बैगन, और ये लहसुन है, इन्हें हमें हाथों से मैश कर देना है। इस तरह से हम इसे मैश कर देंगे, इसी तरह हमें सब बैगनों को छीलना है फ्रेंड्स। देखिए, हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने को रख दिया। हम जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है फ्रेंड, हम क्या करेंगे, हमारे जो बैगन है इसे हम मैशर की मदद से इसे मैश कर लेंगे। वैसे तो जलगांव साइड में बेड़गी करके एक ऐसा कटोरा टाइप आता है जो लकड़ी का होता है फ्रेंड्स, जैसे हमारा ये लकड़ी का खलबत्ता है उसी टाइप वहां पे ये होता है, तो उससे उन लोग उसे कूट लेते हैं, तो अच्छी तरह से उससे भी मैश हो जाता है। अगर नहीं है तो आप इस तरह से मैशर से कर सकते हो। अब हमारा ऑयल, अब इसमें हम राई और जीरा डाल, क्यूमिन सीड एंड मस्टर्ड सीड, हाफ टी स्पून हमने जीरा लिया है और 1 टीस्पून हमने राई लिया है। तो अभी दोनों को क्रैकर भून देंगे अच्छे से। साथ में डाल देंगे हम 2 टेबलस्पून के करीब मूंगफली दाने, पीनट, अब इसमें डाल देंगे हम प्याज, हमारी प्याज भी होती आती है। अब हमने जो ये कूट के रखा था, हमारा हरी मिर्च, लहसुन भी है उसमें भुनी हुई, प्याज और हरा धनिया, इसे हम उसमें डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहे तो इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप ग्रीन चिली थोड़ी ज्यादा ले रहे हो फ्रेंड, तो उसमें अपने को लाल मिर्च पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें डाल देंगे हमारा ये बैगन। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब ये काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, मीन्स सॉल्ट। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और ये हमारा भुना हुआ मूंगफली, रोस्टेड पीनट क्रश। मिक्स करके हमें इसे कम से कम मीडियम आंच पे इसे हमें 10 मिनट तक इसे इसी तरह से हम भूनेंगे, जब तक कि हमारा भरता ऑयल ना छोड़ दे। अब हमारे बैगन ने भी ऑयल छोड़ दिया, आप देख सकते हो साइड में हमारा ऑयल छूटना शुरू हो चुका है। इसका मतलब हमारा बैगन अच्छे से, भरता हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा कटा हुआ हरा धनिया, इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं और सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। हमारा सुप्रसिद्ध जलगांव बैगन का भरता तैयार है। लीजिए, तैयार हो गया हमारा सुप्रसिद्ध जलगांव स्पेशल बैगन का भरता, मींस जलगांव स्पेशल वांग्याचा भरीत। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट ये डिश है, तो आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन, प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।